दोस्तों, मुझे उपवास से डर नहीं लगता है या व्रत से डर नहीं लगता है, मुझे उस बोरिंग से खिचड़ी से डर लगता है। तो अगर आपके साथ भी ये डर है तो डोंट वरी, मैं हूं ना। हम उपवास में सारी चीजें बनाएंगे, पिज्जा बनाएंगे, नूडल्स बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। आप इस चैनल पे बने रहिए, अगर आपको ये सब देखना है ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल हम बनाते हैं इडली, उपवास की इडली, देखते हैं कैसे बनती है। तो उपवास की इडली बनाना बेहद आसान है, ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो हम एक ग्राइंडर में डालते हैं आधा से पौना कटोरी साबूदाने और एक से सवा कटोरी समक या समा के चावल, या मारवाड़ी में बोले तो सामा डाल देते हैं। इनको अब पीस लेना है। तो ये हो गया बेस तैयार। दोस्तों, पहले व्रत या त्योहार में साबूदाने से हमारे यहां पे खिचड़ी या खीरी बनती थी। फिर धीरे धीरे इस इंग्रेडिएंट के साथ मैं प्रयोग करता गया तो बहुत बार फेल हुआ, लेकिन फिर मैंने समक के चावल के साथ इसका उपयोग करके बनाया, तब बन गई इडली। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जब इंग्रेडिएंट से फैमिलियर हो जाते हैं ना, तब आप उसका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जब इडली का प्रयोग सफल हुआ तभी मैंने इसको चैनल पे पोस्ट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने जो बताया ना क्वांटिटी समक के चावल का और साबूदाने का, साबूदाना थोड़ा, समक के चावल उससे ज़्यादा, दोनों को मिला के आप बनाना, नहीं तो बनाने जाएंगे आप इडली और बन जाएगा स्टीम उपमा और फिर आप मुझे खतरनाक कमेंट करेंगे, फिर मेरा दिल टूट जाएगा। ऐसा मत करो प्लीज़। तो अब इस बेस को प्याले में निकाल कर आधा कप दही मिला लेंगे। खट्टी छाछ हो तो वो भी चलेगी, वो चलेगी क्या, वो दौड़ेगी। तो इस दही वाले मिश्रण को 15 मिनट तक तो कम से कम ढककर रख लो। तब तक इडली का कुकर तैयार कर लो स्टीम के लिए। फिर इडली के मोल्ड को ग्रीस कर लो, उस पे घी लगा लो, स्टीम की तैयारी कर लो। इसके साथ ही हम तैयार कर लेंगे एक क्विक तड़का। मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, तेल गर्म होने पर कड़ी पत्ते तोड़कर और थोड़ा सा जीरा डाल दूंगा। याद रहे कि ये इडली हम उपवास के लिए बना रहे हैं, नहीं तो भावनाओं में बहकर आप हींग वगैरह भी डाल देंगे, वैसा करना मत। तड़का रेडी है, इसे इडली के घोल में डाल दो, अच्छे से मिक्स कर लो। इसके बाद इसमें सेंधा नमक और चुटकी भर खाने का सोडा मिला देना। दोस्तों, यहां एक बात बता दूं, सेंधा नमक जब मिलाते हैं ना तब ध्यान रखना कि उसमें डलिया ना रह जाए, नहीं तो क्या होगा कि इडली किनारे से फीकी फीकी लगेगी खाने में और बीच में अचानक तेज नमक का स्वाद आएगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है तो सोचा कि आपको भी बता दूं। अब इडली का मिश्रण तैयार है, इसे मोल्ड में डाल लेते हैं। तो इडली को अच्छे से स्टीम करना है, इसे सामान्य इडली से थोड़ा सा ज्यादा स्टीम करना है। तो दोस्तों, इडली तो रेडी है, लेकिन इसे मोल्ड से पूरी तरह ठंडा करने के बाद ही निकालना। अगर आपने इसको गर्मा गर्म निकाल लिया तो साबूदाने और समक की स्टीम लुगदी हाथ में आ जाएगी, फिर आप बोलेंगे कि इडली तो बनी नहीं। ठंडी होने के बाद देखो इडली का टेक्सचर एकदम परफेक्ट और सॉफ्ट है। लेकिन अगर आप ये मानकर चलेंगे कि इनका स्वाद चावल वाली इडली जैसा होगा तो ऐसा नहीं है भाई। चावल और समक या साबूदाने में कुछ फर्क तो होगा। तो इस इडली को मैंने उपवास की चटनी के साथ परोसा है। आप इडली एंजॉय करें और दामू की रसोई से अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार।